प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। ये माँ भवानी के 51 शक्ति पीठ में से एक है। आदिशक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि माँ शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। 1000 वर्ष पूर्व प्रमाणित मंदिर है, इस बात का प्रमाण है। आए थे 1000 वर्ष पूर्व और रात्रि विश्राम किया था। माँ शारदा की नगरी में हर वर्ष शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से माँ के भक्त अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। माना जाता है कि माँ शारदा ही है जो कलयुग में अपने भक्त आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर अमरता का वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी माँ शारदा की पहली पूजा आल्हा करते हैं। उनकी आस्था इस अद्भुत हो गई कि माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अमरता का वरदान दिया और इस उनके आने की अनुभूतियां अनेकों प्रकार से पता चली है। रात्रि में कई बार घंटा बजे है, रात्रि में ज्योत की लौ दिखाई दी, यहाँ के गार्ड ने देखा, अचानक से मंदिर से जल निकलता हुआ दिखा, हमने माता जी का पट खोला तो उसमें देखा कि वस्त्र गीले हुए दिखे, नीचे गीलापन दिखा, बुझी हुई बाती दिखी, अद्भुत फूल प्राप्त हुए, जिससे संपूर्ण तरीके से वह विश्वास से कहा जा सकता है कि आला आज भी आते हैं और माँ शारदा के दर्शन प्रतिदिन कर जाते हैं। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, इसका उल्लेख पुराणों में भी आया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ सालाना लगभग 2,00,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। माँ की मान्यताओं को लेके अगर हम बात करें तो माँ शारदा के यहाँ भारत के कोने कोने से एवं देश विदेश से माँ शारदा के दर्शन करने दर्शनार्थी पहुँचते हैं माँ के भक्त और मनमांचित फल पाते हैं। मान्यताओं को तो माँ शारदा पूर्ण करती है। देखा गया यहाँ पे आज कई वर्षों में, मैंने खुद देखा, कोड़ी को काया और निर्धन को माया, मांझों को पुत्र जैसे अद्भुत वरदान माँ शारदा ने पूर्ण किया है, भक्तों को दिया है। मैहर माँ शारदा, ये माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है, आदिशक्ति है, शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्र में मेला लगता है। मेले में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। आमतौर पर यहाँ हर दिन मेले जैसा ही नजारा होता है। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं। फिर भी माता सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं किया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द बोल दिया। मान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब
भगवान शंकर को इसका पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। तब भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। तब ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी पर जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि मैहर में माता सती का हार गिरा था, जिसकी वजह से मैहर का नाम पहले माँ का हार अर्थात माई का हार था, जो अपभ्रंश होकर मैहर हो गया। इसीलिए 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मैहर माँ शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। मैहर माँ शारदा, ये माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है, आदिशक्ति है, शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां भारत के कोने कोने में माँ सती के अंग गिरे थे वह शक्तिपीठ कहलाता है। उनमें से मैहर त्रिकूट पर्वत पर ये माँ शारदा का मंदिर, जहाँ यहाँ पे माँ का हार, माँ का कंड। मंदिर के पुजारी के माने तो यहाँ अलौकिक शक्ति वास करती है। माँ अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है माँ पूरा करती है। यहाँ तो बचपन से आई हूँ मैं, पर अब बहुत सालों बाद आई, वो सब कुछ मिला जो माता जी मैं चाहती थी। कुछ ऐसे चीजें बताएं जो अभी लोग नहीं आए हैं, अभी तक माई के दर्शन कभी नहीं किया है, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? माता से बढ़कर कोई नहीं है, और माता ही अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो जरूर माता के दर्शन करिए, माता की सेवा कीजिए। हमारी जो बेटी है ये पलक, हाँ। ये पहले हम लोगों को 2-3 वर्ष बच्चा नहीं हुआ था, तो हमने मन्नत मांगी थी। मैं स्वयं यहाँ पर आया था कि मेरी अगर घर में संतान होती है तो हम माँ के दरबार में आएंगे। उसके बाद हम 9-10 साल बाद यहाँ पर आए, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, और माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप माता के दरबार में जरूर से जरूर आएँ और अपनी जो भी मनोकामना है वो लेके आएँ, माता अवश्य पूरी करेगी। उसके बाद आप दोबारा जरूर आकर माँ के दर्शन करें। मनोज गुप्ता नाम है। मनोज जी बताएं कि क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है इस मंदिर? एक्सपीरियंस इस मंदिर में ये रहा है कि जब भी हम आए हैं ब्रह्मा मुहूर्त में महाराज जी के साथ, तो एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है गुड़हल का, जो आला जी चढ़ाते हैं। अलौकिक वो तो बहुत दिव्य है, माता रानी है, जगत जननी है, सभी की रक्षा करती हैं, और हम लोग भी उन्हीं के सहारे उनके भक्त हैं। मैं तो प्रतिदिन डेली दर्शन करने आता हूँ महाराज जी के साथ, जितनी भी बार आया हूँ मैं माननीय सुमित महाराज जी के साथ, पुजारी जी के साथ, मैं जितनी बार भी यहाँ आया हूँ तो फूल चढ़ा हुआ है। आत्मक यही है कि बालाजी सुबह में हर टाइम, आज नहीं मतलब वर्षों से हमारे पूर्वज लोग भी बताते हैं कि जब भी पुजारी जी गेट खुलते हैं, पट जैसे खुलता है माता रानी का, तो वहाँ फूल चढ़ा हुआ ही मिलता है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा खंड के नायक आल्हा उदल दो सगे भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। महुआ से आकर आल्हा उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर के तलहटी में 12 साल तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया। आल्हा देव ये धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार हैं, ये इनकी तपस्या स्थली है, ऐसी मान्यता है। आल्हा देव यहाँ तपस्या किए थे, माई शारदा ने उनको अमरता का वरदान दिया। आज ही मानते हैं कि आल्हा देव अमर है, अब भी आते हैं। शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलमती माता का मंदिर आल्हा के कुलदेवी का है, जहां माना जाता है कि प्रतिदिवस ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आल्हा माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माँ के मंदिर के तलहटी में आज भी आल्हा देव के अवशेष हैं। यहां आल्हा मंदिर है और आल्हा उदल का अखाड़ा भी। आल्हा मंदिर में उनकी तलवार और खड़ाऊं
आम भक्तों के दर्शन के लिए आज भी रखी गई है। मंदिर का विकास हुआ और जो भी देख रहे हैं ये पादुका तलवार लाला देव की प्रतिमा है, ये बीच में माँ दुर्गा है, भगवान बली है, इस सब आला देव के नाम से पूरा मंदिर है, पूरा परिसर आला देव के नाम से है। लोगों की माने तो सच्चे मन से जो भी मांगा जाए माँ उनकी मुराद पूरी करती है। भक्तों की मुराद जब पूरी होती है तो भक्त माँ को उपहार भी चढ़ाते हैं। कोई सोने चांदी के आभूषण, कोई छत्र, तो कोई झंडा चढ़ाता है, तो कोई दंडवत परिक्रमा करता है। लोगों की माने तो मंदिर पहुंचते ही उन्हें अलौकिक शक्तियों का आभास होता है। सच्चे मन से जो मांगो माँ पूरी करती है। सर अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि मैं मांगू माता से, बट ऐसा किसी चीज़ की कमी भी नहीं माता रखती हूँ। कभी अगर कुछ ऐसा होना भी चाहिए तो हमको पहले वो चीज़ हो जाती है। हमने कुछ सोचा कि हमारे अच्छे नंबर हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। कभी लगा कुछ पैसे की कमी है तो ऑलरेडी पहले से पैसे आ जाते हैं। तो मैहर वालों को कभी कुछ चीज़ की कमी होती नहीं है। और बड़ी माँ है हमारी, मानता है यही है कि हमारी बड़ी माँ है, तो बड़ी माँ से मांगने मिलता है और मिलता भी है भरपूर बड़ी माँ। नमस्कार सभी को, जय माई की, जय माँ शारदा। माँ का मैं तो कोई भी बात खान नहीं किया जा सकता। कोई एक वर्ड में माँ के लिए तो मतलब बोला जाए सदी नहीं है। हमारे शारदा की महिमा तो इतनी है। मेरा पूरा 28 ईयर का हो गया, मैं तो मेरा 28 ईयर पूरा बीत गया। मैं मंथ में नहीं भी तो करीब 4 से 5 बार यहाँ दर्शन किया जाता हूँ। आने के बाद ऐसा अनुभूति होता है कि सभी मतलब दुख दर्द जितने भी हैं सब। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी मैहर से प्रवीण पाठक के साथ भूपेश मिश्रा की रिपोर्ट न्यूज हिंदुस्तान के लिए। और हाँ, जाते जाते माता के प्रातः और संध्या आरती की दर्शन करना ना भूले। एक बार प्रेम से बोले जय माता दी। नमस्कार। Oh,